नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश के कई राज्यों में कुदरत का विकराल रूप दिख रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखती हैं। पठानकोट मंडी हाईवे का एक हिस्सा फ्लैश फ्लड से बह गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें। उत्तराखंड के विकास नगर में पहाड़ दरकने लगा, कांगड़ा में अब तक तबाही के निशान दिख रहे हैं और बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। हिमाचल में कई इलाकों में आपको बता दें जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। मानसूनी बारिश से पहाड़ ऐसे कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। दर के पहाड़ों की चपेट में विशाल मशीनें भी आ गई हैं। उत्तराखंड में भी कई जगह पर पहाड़ दर के। पहाड़ों का सीना छलनी कर देने वाली ये विशाल पोकलेन मशीन है जो तेजी के साथ नदी में समाने जा रही है। प्रकृति के कहर के आगे ये विशाल मशीन खिलौने की तरह दिख रही है। चंबा से आई ये तस्वीरें लैंडस्लाइडिंग के सबसे खतरनाक रूप से आपको रूबरू करा रही हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। दूरदराज के इलाके भरमौर में पहाड़ कुछ इस तरह दरका कि इसकी चपेट में ये पोकलेन मशीन आ गई। दरकते पहाड़ के साथ ये मशीन नीचे बहती उफनती रावी नदी में समा गई। गनीमत रही कि इस मशीन में लैंडस्लाइडिंग के वक्त कोई मौजूद नहीं था। पोकलेन मशीन तो नदी में गिर गई, लेकिन ये ट्रक और इसका ड्राइवर खुशकिस्मत रहे कि मौत से कुछ इंच के फासले पर इस ट्रक के पहिए थम गए। जमीन ने रहम दिखा दिया। जमीन कुछ इंच और खिसकती तो इस ट्रक को भी नदी में समाने से कोई नहीं रोक सकता था। पहाड़ों में बारिश कहर बरपाने लगी है और ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। पहाड़ दरकने की एक और खतरनाक तस्वीर उत्तराखंड के विकास नगर से आई। जिस तरह झरने से पानी गिरता है उसी तरह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। मानसून का मौसम शुरू होते ही ऐसी तस्वीरें अब आम हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस आपदा के सबसे बड़े शिकार हैं। लैंडस्लाइड की जद में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे सहित ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक रोड आ रहे हैं। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं। जगह जगह चट्टानें टूटकर सड़क पर आ रही हैं। लैंडस्लाइडिंग से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश के चलते सोलन में भी पहाड़ दरक गया। इसके चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 कई घंटों तक बंद रहा। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को तैनात करनी पड़ी। मॉनसून का अभी आगाज हुआ है और पहाड़ों से आ रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुसीबत अभी बाकी है। चंबा से विशाल आनंद और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ विकास नगर से टीना साहू आज तक। कांगड़ा में बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड के दो दिन बाद भी हर तरफ मलबा और तबाही दिख रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड से मची तबाही। उफनती नदियों ने लिखी बर्बादी की दास्तां। जाने गई, पेड़ घर लहरों में समाए। 48 घंटे बाद भी नहीं टला खतरा। अब से ठीक 48 घंटे पहले आई थी
कांगड़ा में ये तबाही, लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और चंद मिनटों के भीतर सैलाब सब कुछ बहा ले गया। फ्लैश फ्लड के बाद नदी में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया और किनारे के घर और पेड़ तिनकों की तरह गिरकर नदी में समाने लगे। तस्वीरें भयावह थीं और अब 48 घंटे बाद भी जगह जगह तबाही के निशान दिख रहे हैं। बोह गांव सबसे दर्दनाक तरीके से गवाह बना था इस तबाही का, जहां के लोगों के चेहरों पर अब भी तबाही की दहशत साफ दिख रही है। बर्बादी का मंजर अब भी उनको डरा रहा है। गांव मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। वो गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक फ्लैश फ्लड के बाद जमे मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें नामी पंजाबी सूफी सिंगर मनमीत सिंह भी हैं। 9 और लोगों की तलाश की जा रही है जो लापता हैं। गैस कटर से छतों को काटकर जिंदगी की तलाश हो रही है। आदरणीय अमित शाह जी से भी बातचीत की, उनका फोन मुझे व्यक्तिगत रूप से आया कि मैंने सुना कि आपके वहां बहुत बड़ा नुकसान है, तो मदद क्या कर सकते हैं। मैंने कहा तुरंत आपको एनडीआरएफ की टीम वहां पर रवाना करनी होगी। तुरंत उन्हें आदेश दिए, एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। वो गांव में चप्पे चप्पे पर मलबा है, घरों पर बोल्डर गिर गए, घरों के दरवाजों पर चट्टाने आ गिरी। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो, कहाँ का घोड़ा भर रही है। और यहाँ पर जो घटना घटी है, यहाँ से मुझे फोन मिला कि यहाँ पर जो आपके कजन सिस्टर हैं और एक मेरे रेल सिस्टर हैं, उनका पूरा मकान जो आगे ध्वस्त हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो पूरा ही निकल चुका है। मेरे जो कजन सिस्टर है उनका परिवार जो है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। 3 बच्चे थे और मेरी सिस्टर और जीजा जी, ये उनका ना घर का पता है और ना पूरी फैमिली का पता। जैसे ये पूरे पत्थर यहाँ से लेंटर से ऐसे आने लगे तो हमने पूरे बच्चे बुच्चे उठा के नीचे को नीचे की तरफ भागे, तो नीचे की तरफ भागने से भी सर नीचे ये जो मलबा था ये गिर रहा था नीचे की तरफ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सब नीचे, फिर पहाड़ी थी आगे नाला था उसको बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके तब जाके बचे हम, आगे जाके सर दूसरे के घर में ठहरे। फ्लैश फ्लड से मंडी पठानकोट हाईवे भी जगह जगह कट गया, रोड पर पानी बह रहा है और दोनों तरफ बेबस लोग पानी का स्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और ये आप देख सकते हैं गज खड सड़क पर उसका पानी बहने लगा है और ये कांगड़ा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गग्गल के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं किस तरह से अब इस खड का पानी सड़क को काट कर अब हाईवे को जाम करके बैठा हुआ है। दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो इस पानी ने दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया है। कांगड़ा और धर्मशाला में बादल फटने के बाद की तबाही ने कई घरों को ऐसा दर्द दिया जिससे उबरने में वक्त लगेगा। कांगड़ा से मंजीत सहगल, आज तक। पहाड़ों में लैंडस्लाइड आफत बन गई है तो बिहार में नदियों ने तबाही मचा रखी है। कम से कम 4 जिलों में उफन रही नदियों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है और कई ब्लॉक टापों में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ में डूबते उतराते बिहार की त्रासदी को बयां करती ये सबसे खौफनाक तस्वीर है। मोतिहारी में मधुबनी घाट पर बाढ़ की तेज धार में ये सड़क मक्खन की तरह कटकर समा गई। पहले कुछ दरारें दिखी, लोगों को तब तक खतरे का एहसास हो चुका था और फिर चंद सेकंड के भीतर बाढ़ के पानी ने सड़क को चीर कर 2 हिस्सों में बांट डाला। सड़क की जल समाधि की यह तस्वीर जिसने भी देखी हैरान रह गया। इस सड़क के डूब जाने से मोतिहारी से पकड़ी दयाल वो मधुबन जैसी जगहों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। तो
मोतिहारी के पकड़ी दयाल व मधुबनी में लोगों के घर का सामान अनाज सब कुछ पानी में डूब चुका है। देखिए कैसे पूरा का पूरा घर पानी में समा चुका है। लोग बांध के नीचे सड़क किनारे शरण लेने को मजबूर हैं। मोतिहारी जैसा ही हाल गोपालगंज का है। सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। कई गांव पिछले कई दिनों से टापू में तब्दील हो गए हैं। पक्के मकान तक जमींदोज होकर पानी में समा चुके हैं। लोग सड़क किनारे रह रहे हैं। जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दौड़ दुकान से ले आके खाते हैं, चूरा मीठा खा कर रहते हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था सा रही नहीं, चूल्हे में आँच भी नहीं भरता है, पानी घुस जाता है तो तिरपाल तान के उधर रहते हैं बांध के ऊपर जाकर, फिर पानी कम हो जाता है फिर आ जाते हैं। दिक्कत है कि पानी जब आता है तो हम लोग का बहुत तबाही होता है। हम लोग सब अपने बाल बच्चा लेकर जाते हैं वहाँ पर बांध के ऊपर रहते हैं, फिर पानी कम होता है फिर यहाँ पर आते हैं रहते हैं। मोतिहारी के सदर ब्लॉक में गंडक के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कई गांव का तो वजूद खत्म होने के कगार पर है। दरभंगा में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। कुशेश्वर स्थान के पूरे इलाके में पानी ही पानी है। गांव में कई कई फुट तक पानी जमा है। सड़क यातायात ठप है और अब नाव ही सहारा है। इस वक्त बिहार के कम से कम एक दर्जन जिलों में नावें ही लाइफलाइन बन गई हैं, चाहे ग्रामीण हो या सरकार। हालात चाहे जितने भी विषम क्यों न हो, जिंदगी चलती रहती है, बिल्कुल इस नाव की तरह जिसका नाम है टीका वाली नाव। बिहार के तकरीबन एक दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम भी जो चलाया जा रहा है इन जिलों में, उस पर इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो टीका वाली नाव उसका जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है ऐसे नाव के जरिए, और इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। बिहार में कम से कम आधा दर्जन जिलों में हर साल बाढ़ का कहर कुछ इसी तरह लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार देता है। अब तो लगता है लोगों ने इसको नियति मान लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र रास्ता है, जिसका इस्तेमाल हजारों गांवों के लोग भी कर रहे हैं और बिहार सरकार भी। बाढ़ की वजह से बिहार में सिर्फ लोगों की जिंदगी ही नहीं थमी है, बल्कि कोरोना टीकाकरण अभियान भी थम गया है। लेकिन जिस तरह चलती का नाम गाड़ी होता है, उसी तरह बिहार के बाढ़ग्रस्त गांवों के लिए चलती का नाम नाव है। बिहार के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश और बाढ़ का साम्राज्य फैल चुका है। हर चीज डूबी हुई, घर, खेत, स्कूल, सड़कें और लोगों का दिल भी। जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दौड़ दुकान से ले आके खाते हैं, चूरा मीठा खा कर रहते हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था सा रही नहीं, चूल्हे में आँच भी नहीं भरता है, पानी घुस जाता है तो। जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है, बिहार के गांवों को अब इन नावों का ही सहारा है, फिर चाहे नाव सरकारी हो या निजी। हम लोगों के यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आता है और ये बाढ़ का लगभग चार महीना रहता है। चार महीना इस क्षेत्र के जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है। इस वक्त बिहार के कम एक दर्जन जिलों में नावें ही लाइफलाइन बन गई है, चाहे ग्रामीण हो या सरकार। हालात चाहे जितने भी विषम क्यों ना हो, जिंदगी चलती रहती है, बिल्कुल इस नाव की तरह जिसका नाम है टीके वाली नाव।
बिहार के तकरीबन एक दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम भी जो चलाया जा रहा है इन जिलों में, उस पर इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो टीका वाली नाव उसका जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है ऐसे नाव के जरिए, और इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। 5.5 फीट ऊंची, 7.5 फीट लंबी प्लास्टिक से बनी झोपड़ी एक तैरता टीकाकरण केंद्र है। उसमें एक डॉक्टर, दो नर्स और कुछ एनजीओ के लोग टीका लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उद्देश्य है रोजाना कम से कम 100 लोगों को टीका लगाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के कतरा प्रखंड में, और हम इस वक्त एक नाव में बैठ के जा रानीपुर गांव, और मेरे साथ आप देख सकते हैं इस नाव में जो मेडिकल टीम है, स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर है, वो मौजूद है। जिस क्षेत्र में हम लोग पैदल नहीं पहुंच सकते हैं, इस यहाँ के कटरा प्रखंड में 12 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर आवागमन अवरुद्ध हो चुका है, इसमें टीका वाली नाव का सहयोग बहुत ज्यादा हुआ है, ताकि उस व्यक्ति के पास हम लोग लाभार्थी के पास पहुँच सके जो टीका नहीं ले पाए हैं। ये बताइए, आप लोग घर घर जाके तो टीकाकरण का कार्यक्रम चलाती ही थी, लेकिन ये जो एक नया तरीका है नाव से पहुँचना लोगों तक, ये कैसा लगता है, चुनौतीपूर्ण है ये? है तो, लेकिन खुशी मिलती है जो हम अपने पब्लिक को सुविधा दे सकते हैं। टीके वाली नाव की शुरुआत फिलहाल मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मोतिहारी जैसे जिलों में हुई है। ऐसी ही एक नाव पर सवार होकर आज तक की टीम जब मुजफ्फरपुर जिले के भवानीपुर गांव पहुंची, तो वहां पहले से ही टीके वाली नाव का इंतजार किया जा रहा था। पीछे आप देख सकते हैं इस नाव का इंतजार जो गांव के लोग हैं वो सुबह से कर रहे थे, क्योंकि ये गांव जो है अभी पूरी तरीके से कह सकते हैं टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये बताइए, गांव में पानी भरा हुआ है चारों तरफ, टीका ले पाए हैं आप लोग? ना, हम लोग नहीं ले पाए हैं। क्या दिक्कत क्या है, टीकाकरण केंद्र तक नहीं जा पाए? नहीं जा पाए, कहे जो यही आएंगे तो लेंगे। पता चला था आपको कि नाव से आ रहे हैं? हाँ 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 हाँ। इस तरीके से जो पहल शुरू किया गया है बाढ़ ग्रसित इलाकों में नाव के जरिए लोग पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, इससे आपको लगता है क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को? हाँ, फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। गांव पहुंचने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत कैंप लगाया, जिन लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उनका वेरिफिकेशन शुरू हुआ और फिर टीका लगाने का काम शुरू हुआ। टीकाकरण में पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया गया। गांव जो है वो टापू में इस वक्त तब्दील हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ इस गांव के जो है वो बागमती का पानी जो है वो घर कर चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कैंप लगा हुआ है, इसका टारगेट आज का है कि कम से कम 100 लोग जो है इस गांव में, उनको आज टीका लगाना है, और ये काम शुरू भी हो चुका है। टीका नाव से आया है, तो आपको लगता है ठीक है कि नाव से भी आप टीका लगाया जा रहा है? हाँ जी, ठीक है। टीकाकरण केंद्र नहीं जा पा रहे थे क्या? जी नहीं, पानी आया था ना, तो कैसे हम लोग से जाए ब्लॉक में? फिर ये जो नाव से घूम घूम के टीका लगाया जा रहा है, उससे टीका लगा लिया? जी लगा लिए। इस तरह लोग आते गए और टीका लगवाते रहे। टीका वाली नाव के गांव पहुंचने की एक अच्छी बात ये भी रही कि ऐसे लोग जो टीका नहीं लगवाना चाहते थे, उन्होंने भी टीका लगवा लिया है। लोगों ने ये सुविधा देखी कि नाव आ गया तो गया, इसलिए लोग धरल्ले से जो है नहीं लेने की इच्छा में भी थे, वो भी आके लिए हैं। यानी जो डरते थे कि कोरोना के सुइया से आदमी मर जाता है, ये होता है, वो होता है, वो भी आके लिए हैं, बेहिचक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में टीका वाली नाव का आना बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में पानी। मायने ये नहीं रखता कि ये टीका वाली नाव रोजाना कितने टारगेट पूरा कर पाती है, मायने ये रखता है कि टीके वाली नाव जब टापू बन चुके गांव में पहुंचती है तो लोगों को सिर्फ कोरोना का टीका नहीं लगता, बल्कि एक टीका विश्वास का भी लगता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के भवानीपुर गांव से रोहित सिंह, आज तक।